Good morning, students. So now we will start our new topic, highest common factor means HCF. So HCF is of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. It is also known as greatest common divisor means GCD. इसको इस नाम से भी हम जानते हैं. और इसका means क्या होता है कि two or more numbers होते हैं उनके factors में, कॉमन फैक्टर्स में जो बिगेस्ट नंबर होता है वो HCF होता है. लाइक यहाँ फैक्टर्स ऑफ 24 राइट किए हुए हैं एंड फैक्टर्स ऑफ 36. देन उनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सो 12 इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर. सो दिस इज़ HCF. सो अब हम HCF को फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो इसके अंदर हम डिविज़न मेथड से जैसे हम करते थे वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे नंबर्स के इंडिविजुअली, लाइक 18 एंड 48 के. एंड देन उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनमें जो कॉमन है उनको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन को, एंड वो उनका HCF होगा. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरह से HCF फाइंड आउट होता है. एंड जो फैक्टर्स मेथड है उसमें हम फैक्टर्स राइट करके देन जो बिगेस्ट नंबर होता है वो हमारा HCF होता है. सो इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस है. नाउ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो यहाँ हमें यही मेथड अप्लाई करके एंड देन HCF फाइंड आउट करना है. सो इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है 272 एंड 425. सो 272 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देन इसका हाफ 2 1 2 वन टाइम, देन 2 3 6, देन ये 1 इधर जाएगा सो देन ये 12, 2 6 12, देन अगेन 2 से हो जाएगा ये 2 6 12. सो 13 में से 12 माइनस करेंगे, 1 इधर हो जाएगा और ये 16 बन जाएगा. 2 8 टाइम्स 2 8 16, देन अगेन 2 से करेंगे तो इसका हाफ होता है 2 3 6 2 4 8, 34. डिवाइड करके हम इसका आंसर यहाँ राइट करते हैं. देन अगेन 2 से करेंगे तो 17, एंड 17 प्राइम नंबर है, ये 2 से ये 17 से ही होगा. सो हमें यहाँ 17 इस तरह से इसको किया. देन 425 2 और 3 की टेबल में नहीं आता है. सो देन उसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है, एंड 5 8 40, देन 2 रिमेनिंग बचेंगे सो 25. तो देन 5 5 25. नाउ अगेन 5 से करेंगे एंड 85 5 की टेबल में 17 टाइम्स में आता है. देन 17 1 17. सो अब इनके फैक्टर्स जो हैं उनको मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, एंड 425 के प्राइम फैक्टर्स भी. देन HCF क्या हो जाएगा, कॉमन जो फैक्टर है वो 17 कॉमन है सो 17 यहाँ HCF होगा. देन थर्ड इक्वेशन में इसी तरह से 18 को सॉल्व किया है, 2 3 एंड 3. सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. देन 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे. इस तरह से इनको डिवाइड करके आंसर्स आ रहे हैं इनके. देन 32 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32. सो 5 टाइम्स 2 इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे. देन HCF क्या होगा, सो कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो 1 टाइम 2 कॉमन है, देन उसके बाद यहाँ 3 आ रहा है, 3 यहाँ भी है बट यहाँ नहीं है. सो कॉमन जो होगा वो तीनों में कॉमन होना चाहिए. सो ओनली 2 ही ऐसा है तो तीनों में आ रहा है. उसके बाद 3 यहाँ है और यहाँ है बट यहाँ नहीं है. देन 2 यहाँ है बट इसमें नहीं है. सो इसीलिए इसका HCF 2 आया है. देन 4th 91. सो ये 2 3 5 की टेबल में नहीं आएगा. सो उसके बाद प्राइम नंबर 7 है, एंड 7 की टेबल में 13 टाइम्स में आता है. देन 13 1 13. 175 इसको 5 से करेंगे हम तो देन 35 इसका आंसर आएगा. देन अगेन 5 से 7 टाइम्स में, एंड देन 7 से 1 टाइम में. देन 49 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 7 ज़ा. सो नाउ इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट किया हमने इनके सामने,
एंड कॉमन फैक्टर ओनली 7 है, सो HCF यहाँ 7 हो जाएगा। देन फिफ्थ 924, सो 2 से करेंगे तो देन इसका हाफ होता है 2 4 8, देन 1 इधर जाएगा 2 6 12 एंड 4 2 2 4, देन 2 से करेंगे 2 2 4, 2 3 जा